देखो लुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये डेफिनेटली ये है, अगर आप कह रहे हैं भैया कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर वो है। मैं दोनों चीजों को देख रहा हूँ जो भाई ये रियल लाइफ है और देखो इधर 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 देखो ये रियल लाइफ है, तो इसमें ना लुक्स चलते हैं, इसमें लुक्स चलते हैं, इसमें ना वो वाली बात है चेहरा गोरा हो चाहे दिल कितना काला हो। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले हैं पुलास की, अरे दीवाने स्माइल देख रहे हो। अपने रिसेंटली डाला था ना सिगरेट की डाला था वो वाली बात है, कुछ प्यार करते हैं कुछ वो भाई मैसेज बोल देता हूँ तो कहीं को बुरा लग जाता हूँ। नहीं नहीं अच्छा है मुझे एक्चुअली, मैं भी ना सोच रहा था इस चीज़ में पढ़ने के लिए, बट मैंने जब देखा कि मैं कह नहीं यार मैं कह है तो चीज गलत ही है, आज नहीं तो कल उसका असर गलत ही आना है। क्या बोलते सर जी, आवाज़ तन की आ रही है करो करो करो, इससे जाहिर होता है कि टाटा की स्टील है। यहाँ 4x4 है। अच्छा ये 4x4 है, मैनुअल गियर है। अच्छा मैनुअल गियर है, 4x4 है, 4x4 की शाफ्ट अलग लगी हुई है ना जी। अरे लाड लो, मैं तो कह रहा था कि भागा दौड़ी मैं करता हूँ, ये मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा तेज है। उस तरह के टायर आपकी गाड़ी में डाल देंगे हमारे, देखो इसी का भी सुनना है टायर देखो। फिर क्या हो गया गाड़ी में? भाई पानी खत्म हो गया था आगे। अच्छा मिरर हुआ तो, और इसके खुलता भी तो नहीं, बहुत ओखा खुलता है। भारी बहुत है, भारी बहुत है, डल गया पानी, झाग तो इसमें रह गया। मतलब इसमें ना थोड़ा सा शैम्पू मिला लिया करो जब भी आप डालो, क्योंकि ना खाली पानी से शीशा साफ नहीं होता, थोड़ा सा शैम्पू डाल के एक नंबर साफ होता शीशा। तो दोस्तों अब नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों? तो आज हम वीडियो समझ गए होगा आप थंबनेल देख के, ओ बोतल गिर गई, बस ये नहीं होगा जी, ऐसे ही रह गए तो क्या? नहीं नहीं बंद तो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लो आप करो मैं पकड़ता हूँ, हो गया। स्टोव के लिए हाँ दे लोग ऐसे इस पे चढ़ा के इस पे देखे लोग। अब दूसरा तो दोस्तों बिफोर है, अभी वीडियो स्टार्ट होगी तो बीच में बदलेंगे तो आफ्टर दिखाएंगे आपको, अभी बिफोर है। तो दोस्तों टाइम हो रखा है 10:30, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो हम पहुँच जाएंगे कोई करीबन 12 बजे, 12:30 हाँ। फिर दिखाते हैं आपको पूरे दिन की कार्रवाई क्या क्या करवाते हैं, लेकिन मस्त होगा क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि ये जो अलॉय व्हील है ना बहुत मजबूत है, मैं चेंज करवा के देखूंगा सारी चीजें, लेकिन जो ये अलॉय व्हील है बहुत मजबूत है, मुझे टायर चेंज कराने मेन तो बिल्कुल हाँ, थोड़ा जो रफ मोड पे अच्छे चले उसके लिए, क्योंकि और ये क्यों हो रहा है क्योंकि टूर स्टार्ट होने वाले पंगाल व्लॉग्स पे, इसलिए। सर जी आप कुछ कहना चाहते हो? भाई चल दिए टाइम के मुताबिक और जाने के बाद में बहुत अच्छा मॉडिफाई करना है और सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, बिल्कुल जैसा आप लोगों ने प्यार दे रखा है ना ऐसा बनाए रखना, बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग्स, अच्छी अच्छी जो है ना वीडियोस आपको दिखाएंगे। एक्सीडेंट हो गया, कल भी एक्सीडेंट हुआ था जिसने वीडियो देखी होगी, और ये रॉन्ग साइड हमारे जवान आ गए टाइम पे, बहुत ज्यादा चोट है भाई, बहुत ज़्यादा चोट भाई। गाड़ी ना जितना हो सके फिर भी धीरे ही चलानी चाहिए, मैं भी चला लेता हूँ तेज, लेकिन मैं तो यही समझाऊंगा कि जितना हो सके ढंग से चलाओ, ओवरटेक में लगती है हमेशा, कल जो एक्सीडेंट था वो भी ओवरटेक का था, आज ये एक्सीडेंट है ये भी ओवरटेक का एक्सीडेंट है, बिल्कुल उसने उसको ओवरटेक किया साइड, मतलब साइड में लगी और गाड़ी उस पर चढ़ गई, हवा ही उड़ जाती है भाई। अब क्या, और कुछ टाइम भी खराब होता है इंसान का, क्या बोले उस्ताद जी आप? वक्त तो भाई सबसे बड़ा चक्कर होता है वक्त, बिल्कुल सारा खेल ही वक्त का है, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान हूँ मैं, वक्त बड़ा बलवान हूँ। दोस्तों आगे वेलोसिटी टायर, ये फ्लाईओवर से ना थोड़ा पहले से मुड़ना पड़ता है, फ्लाईओवर नीचे से आना है, अभी लेफ्ट लेना है हाँ, नहीं वो तो मैं ले लूंगा आगे से ले लूंगा, तो फ्लाईओवर नीचे से मुड़ के यू टर्न है तब आएगा लुधियाना सिटी में, एंटर मत होना हाँ, लुधियाना सिटी में तो जाम में फंस जाओगे हाँ। तो ये आ गया वाला सिटी टायर, यहीं से चेंज कराते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर भाई अपने, काफी सारे हैं वो यूट्यूबर हैं जो सब यहीं से करते हैं, सिद्धू मूसे वाला भाई था अपना, उसने भी अपने फॉर्चूनर यहीं से करवाए थे,
उसको पीछे लगा दे, वहाँ नीचे लगा दे। देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड इनके पास ऑल टाइम रहता है जी। वैगन खड़ी है, वरना खड़ी है, अपनी थार खड़ी है, तो मतलब सब ऑलवेज अच्छा क्रेज है, मज़ा आता है देखने में लोगों को। ठीक हो आप? बहुत बढ़िया है। उस ताकि थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं नहीं, काम काम पहले मेरा नहीं, पहले मेरा, उसमें रात को पहुँचे दो तीन बजे। आपको पता लग रहा, आंखों से ही पता लग रहा है कि नींद पूरी। ऊपर से सुबह आए थे कंटेनर, तो मेरा हेड ऑफिस मेरे नज़दीक था, अब हो गया कोई 10-12 किलोमीटर। मंगा रोटी आपके हमारे पर क्या क्या इतना हो रहा है, वही बहुत है हमारे लिए। ऐसे 200 रुपये जब भी बोल गया मेरे लाड लो। मैं तो कह रहा था कि भागदौड़ी मैं करता हूँ, ये मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा तेज़ है। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ रिप्लाई ज़रूर मिलती है, लेकिन मिलता है अपोजिट है। मैं चंडीगढ़ होता हूँ तो ये दिल्ली होते हैं, मैं दिल्ली होता हूँ तो ये लुधियाना होते हैं। आज बड़े टाइम के बाद टाइम दे के सेटअप कर दिया, अभी अभी जस्ट आए हैं। दाओ वो अलादीन की गुफा थी ना, खुल जा सिम सिम, उससे बड़ी गुफा है। जो आप कह रहे हैं कि रमन मुझे डालना है, दिस इज 33 × 12.5 × 20, ठीक है 33, और इट्स वेरी 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 हार्ड, नहीं दब सकता है। रडार आरटी चाहिए है, रडार आरटी। ये नया ट्रेंड है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। ये सेम उसमें उसी पैटर्न में है, लेकिन आवाज़ तो रहेगी रहेगी। जिसमें आवाज़ नहीं होगी मैं आपको वो ऑप्शन दिखाता हूँ। भाई साहब अमित भाई, ये वाला टायर लगा लो, आप याद रखोगे चीज़ लगेगी। 305/55/20 लिफ्ट किट, क्योंकि आप लगा रहे हो सिर्फ इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर जो आप कह रहे हैं वो ये ऑप्शन है, पर अगर लिफ्ट किट मैं यूज़ नहीं करवाता अभी तो फिर तो दोनों ही टायर नहीं डलेंगे, दोनों ही डलेंगे। नहीं बिल्कुल से दोनों, ये देखिए ना, इसको सिर्फ आप लिफ्ट करें एक बारी खुद अपने हाथ से। अच्छा मारिए आप, आई थिंक जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। इतना लोड एक गाड़ी पर ले जाके पैन इंडिया नहीं जाया जा सकता। येस डेफिनेटली लुक्स के हिसाब से वो बहुत बेहतरीन लगेगा, बट ये बुरा नहीं लगता है। हमारा मकसद क्या है कि जब आप यहाँ से अगर कन्याकुमारी और केरला तक पहुँचे हो तो वहाँ पे और यहाँ की ड्राइव में आप ऐसा ना हो कि सिंगल डे में आप चला नहीं पाए, तो वो एक चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है। बाकी देखो चॉइस आपकी है अमित भाई, जैसे आप कहोगे हमने तो अंकल डाल ही देने हैं। क्योंकि जी नहीं, इनके से अगर हम तो वो लिफ्ट नहीं लगाते हैं तो कौन सा कामयाब है? फिर ये साइजेस नहीं डलेंगे, फिर साइज और डलेंगे, फिर 285 ही डलेगा जो आपने डाला हुआ। उसमें आपको सेम ट्रेड दे देता हूँ, सेम ट्रेड है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये तो मैं आपको बराबर ही रख के दिखा देता हूँ, आप समझिए फ़र्क। अच्छा जो उसमें है सेम वही। जी 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 285 अगर हम लिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। ये 305/55/20 तो आवाज़ करता है ये? नहीं, ये मतलब 100+ जाके आपको फील होएगी, वैसे फील नहीं होएगी। 100% वर्केबल है। अच्छा हाँ, रफ रोड। भाई इसमें अगर RT+ डालते हैं इस साइज में? RT+ तो एक सिर्फ रडार बनाता है, और उसी साइज में आएगा, एक ही साइज में आया है और आएगा ही नहीं। अच्छा वो इसी साइज में आएगा। इनका काम क्या, देखो ऑफ रोड या स्लिप कब होती है जब टायर का जो ट्रेड है वो सीधा रहता है, जैसे ये कार टायर होते हैं। अब एक गाड़ी में वजन कितना डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तभी मैंने सारी चॉइसेस आपके सामने रख दी। और इसमें और कोई ऑप्शन भाई? इसमें 285 और ऑप्शन है। ऑप्शन
ये हो गई। और एक चलो ये वैसे तो आप ऑप्शन तो बहुत हैं हमारे पास, लेकिन ये वो टायर है जो आपके ऑफ रोड और हाईवे पे बराबर कंफर्ट देगा, उतने जितना काम नहीं करेगा लेकिन अपना काम कर देगा, जितना ये करेगा उतना ये नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा। लेकिन वो बात वही है ना जी, परसेंटेज क्या, कंफर्ट या फिर अपनी ऑफ रोड, दोनों को बराबर अगर हम नहीं ला पाएंगे, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं मिल पाएंगी, कुछ ना कुछ कम, अगर इसमें कंफर्ट बढ़ेगा तो ऑफ रोड की कैपेसिटी कम होगी, और इसमें अगर ऑफ रोड की कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंफर्ट थोड़ा सा कम होगा। उसमें तो खैर कंफर्ट जीरो है, सिर्फ ऑफ रोड कैपेसिटी बढ़ेगी। ये गाड़ी आप यू कांट ड्राइव मोर देन 80-90 किलोमीटर, गाड़ी अपनी चलाई थी, गाड़ी वॉबल करती रही, नहीं मैंने चलाई थी अपनी। हां हां जी हां जी, रहने के लिए उसको समझते हुए ही मुझे लगा कि मैं आपको, मुझे लगता है मुझे आपको गाइड करना चाहिए था, तो मैंने तभी आपको सारी चीजें बता दी। कंटिन्यू मैं आपसे फोन पे संपर्क कर रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आपसे नहीं मिलेंगे मतलब देखो पूरी सिचुएशन नहीं पता लगेगा। देखो मेरे लिए ये होता है कि कुछ भी मैं करूँ आपके सामने वाले की जरूरत को समझ के जवाब दूंगा। तो अब आपका 6000 किलोमीटर का है, लुधियाना का तो सब जानते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो भाई। हां थोड़ा थोड़ा इतना मैं कंफ्यूज तो मैं भाई को दे देता हूं सारी कंफ्यूजन। I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow, I'm getting cash overseas by the boatload, you wanna ride my wave, that's a no-go, shake it, shake it. Senoritas going loco, shake it, shake it. Make it bounce like a pogo, all my haters see rojo. देखो यहाँ तक तो मैं आपको कह सकता हूँ आप इन दोनों में कुछ डाल सकते हो, वो डालना आपको खुद एक देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि कल अभी डाल जाएं और हफ्ते 10 दिन में आपको फील होगी रमन यार ये नहीं हो रहा। वो तो मुझे पता ही है, मैंने चलाई थी गाड़ी, जभी पता लग गया था मेरे को रास्ते में, क्योंकि आप 80-90 पे जाएंगे ना तो गाड़ी शेक करती रहेगी, और वो क्वाइट टाइम इंडिया नहीं कर सकते आप थोड़ी देर के लिए। मैं क्या तभी मैंने बोला दिल्ली तक का समय नहीं बांध पाएंगे। बिल्कुल अभी देख लो दुनिया भर गया पीछे। जी जी बिल्कुल, देखो अभी नए काफी डिजाइन आए हैं, काफी डिजाइन नया आया है, वो आपके दादा में वो मेरे भी किया इस बार। अच्छा विद द स्मॉलर कैब दिस टाइम, बाकी यार रीसेंट और बाइसेंस में तो बहुत कुछ चलता है। अपने 20 इंच है ना अपने, तो ये 20 में है, ये 22 है। अच्छा 22 है, 20 में ये सारे यहाँ से लेके वहाँ, ये सारे वहाँ तक। ओला बहुत पावरफुल है वो वैसे जी, बहुत पावरफुल होगा आपके हिसाब से डालने के ना जी, तो आपको भी तो देखना चाहिए जितना पावर आपने उतना लाइफ में डाला चाहिए। नहीं सच में जो है वो बात है बहुत अच्छा है। भाई मेरे को तो लगा ये सबसे अच्छा अभी भी यही लग रहा है सच में। नहीं है ये अच्छा, वो कॉन्सेप्ट नया था। ये वाला उठा के दिखाइए मुझे, ये थार का टायर है, थार का टायर मतलब ट्रक का लग रहा है। नहीं नहीं ये थार का टायर ये आप ही उठा पा रहे हो, ये तो थार नहीं उठा। बट देखो लेकिन एक बात बताओ, इतना बड़ा थार इसमें लगेगा थार में जी, तो चलेगी कितने दिन वो पावर ही नहीं बचेगी। देखो जैसे मैंने पहले बताया था ये टॉय कार है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक जनरेशन है जिसके पास उसने स्कूल जाना है कॉलेज जाना है और ट्यूशन जाना है, तो उसने गाड़ी रखी हुई है, ही वॉन्ट्स की आई वॉन्ट टू लुक एक्सक्लूडेड, मतलब लोगों को मेरे जैसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक वो चीज़ है। देखो जब एक्सपेक्टेशन लेके कोई आता है तो पूरा करना तो हमारा फर्ज है, तो उसके लिए चीज़ महंगी है। हाँ प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल तो भाई साहब वो भी नहीं है, प्रैक्टिकल तो जो आप डाल चुके हो, जो आपने डाला हुआ है उसके बाद कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारी एक वो है। चलो आपका तो अब यूज़ है पैन इंडिया का तो हमें वो करना पड़ रहा है, नहीं तो कंफर्ट के लिहाज से तो मुझे लगता है आपने वो बहुत बढ़िया चलाई है गाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी वजह से सोनार को कितने लोगों ने प्रेफर करा और कितने लोगों ने चलाया, देखो सब एक्सपीरियंसेस आजकल अंकल ऑनलाइन आ जाते हैं। बिल्कुल, तो जितने लोगों ने भी मेरे सोनार का टायर भैया को डाला था, तभी भाई आपने ही बोला था जो आपको ठीक लगे, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया था, तो आज भी मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें बताई है। बाकी हाँ आप मुझे बताओ इफ़ यू वॉन्ट टू सी द सैम्पल्स, मैं सैम्पल्स लगा के भी दिखा देता हूँ, तो बाकी आप ह्यूमिडिटी तो आप साथ में रखो। हाँ एक कन्फ्यूजन बढ़ रही है अब, अपन भाई मैं छोड़ता हूँ भाई, दो टायर कोई दो आपको जो पसंद हो। देखो पसंद अगर मेरे लिहाज से चलोगे, मैं क्योंकि आपका पैन इंडिया का सिस्टम समझ रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ ये दो टायर जो है इधर वाले, ये दोनों कर लीजिए ठीक है, वो रहने दीजिए, वो नहीं बस मुझे ना थोड़ी वॉइस भी कम हो क्योंकि बहुत फिर तो इधर हम बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए अमित भाई मेरा ये कहना कि आवाज़ जीरो हो जाएगी वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, बिकॉज
90-100 पे जब हम सीमेंटेड रोड्स पे गाड़ी चला रहे हैं वहाँ पे ये टायर नॉइस करेगा, बिकॉज दीज आर बिग ब्लॉक टायर्स, नॉइस आई थिंक जो आपने डाला हुआ है वो नहीं नॉइस करता है, लेकिन वो उसमें ना क्या नाम ऑफ रोड पे देखिए आप वो दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। आपने बोला आवाज़ ये इसलिए मना किया, आपने बोला कम्फर्ट, मैंने ये भी मना कर दिया कि लिफ्टिंग का बहुत सॉलिड इशू है, लिफ्ट करेंगे गाड़ी और स्टिफ हो जाएगी, लेकिन हाँ इंक्रीज हो जाएगी हाइट। तो मैं अगर आपको यही कहूँगा अगर आपने लिफ्ट करनी है तो आप अपना पैर इंजेक्ट करके लिफ्ट करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कम्फर्ट में आपको दिक्कत आए। तो उस लिहाज से हम वो दो टायर्स डाल देते हैं, इन दोनों के सैंपल लगा देते हैं, इन दोनों के ठीक है। वो वाला टायर मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बाई चांस आप कोई क्रशर रोड पे चले गए जहाँ पे वो क्या बोलते हैं आजकल वाटर के बीच में से निकालना आपको पड़ गया, तो उसको दबाइए थोड़ा सा, प्रेस करिए, आप समझ जाएंगे। हाँ ये सॉफ्ट सॉफ्ट है, किधर वाला दबाइए, आप किधर वाला दबाइए, ये सबसे आगे, ये सबसे आगे। तो ये एक तरीका होता है टायर को पहचानने का कि कौन सा सॉफ्ट है कौन सा नहीं है, ठीक है जो मांगा वो दो और कहानी खत्म करो, बट हमें समझना कि एक्सपीरियंस करानी चाहिए। तो दोस्तों देखो मैं ना पूछता बहुत राय, मुझे राय भी बहुत मिलती है, लेकिन सच्चाई में ये बताऊं कि मैं जब वेलोसिटी पहली बार आया था तब रमन भाई ने जिस हिसाब से मुझे टायर दिए थे बता के, जिस काम के लिए जो हमने बताए थे और जो भाई ने हमें बताया था वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें 1% भी बढ़ाई नहीं है कि मैं आया हूँ और मैं भाई की बढ़ाई करूँ, 1% भी उस्ताद ही बताना, 1% ये रियलिटी बताते हैं भाई, हमें पहले ही बहुत बताया था, अब भी काफ़ी देर से जो है बता रहे हैं एक के बाद एक, तो ये बहुत ही कम्फर्टिव और बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। आज तक मेरे को अपनी थार में आवाज़ नहीं आई, आज तक 100 पे भी चली, 120 130 जितनी भी चलती है कभी आवाज़ नहीं आई आज तक, एक बार भी, और अभी मैं थार देखता हूँ तो भाई तू ही चला ले अपनी थार। तो ये दोनों को देख लेते हैं एक बार, क्यों सर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करेगा ये, आवाज़ से ज़्यादा गाड़ी जब हम खड्डे में जाएगी तो आपकी बैक पे झटका मारेगी। अच्छा गाड़ी बेसिकली ऐसे लाइक ट्रैक्टर, हाँ लाइक ट्रैक्टर बेसिकली बम्पी ड्राइव देगी, ऐसे ऐसे करती रहेगी, क्योंकि शॉकर तो काम करेगा नहीं उसका, शॉकर के काम करने की जगह नहीं छोड़ेंगे हम। बाकी देखो क्योंकि चलानी आपने है और आपको ज़्यादा पता है कि क्या चीज़ आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं देखो लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये डेफिनेटली ये है, अगर आप कह रहे हैं कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर वो है, मैं दोनों चीज़ों को देख रहा हूँ। क्योंकि देखो जो भाई ये रियल लाइफ है, और देखो इधर देखो ये रियल लाइफ है, तो इसमें ना लुक्स चलते हैं, इसमें लुक्स चलते हैं, इसमें ना वो वाली बात है चेहरा गोरा होना चाहिए दिल कितना काला हो। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऐसा ही है, दिखता कुछ है और होता कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है मेरे को, यही रिपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, यही दो चीज़ें मुझे टेंशन दे रही है बस, क्योंकि लुक्स भी मैटर करते हैं कहीं जाएंगे फोटो वोटो ये वो, लेकिन 100% करती है, मैंने कोई बोला नहीं, या तो पैन इंडिया का व्हीकल चेंज करो उस्ताद जी, या तो जहाँ जो ट्रिप मारना 10,000 किलोमीटर या तो वो ट्रिप वो गाड़ी चेंज करो, ये मत लेके जाओ। अब ये भी नहीं कर सकता हूँ मैं आपको बोलो, दो दो टायर रखो, ये भी रखो वो भी रखो, ट्रिप मारना बहुत जरूरी है। काम करते हैं कि क्या नाम है, इससे कितना ड्राइव हो सकता है अगर इजीली आराम से, डिफरेंस आपके सामने है वजन में, उतना ही फर्क पड़ेगा जितने परसेंट का फर्क है, थोड़ा आप देखिए एक बार आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें फील की जा सकती हैं, समझाई नहीं जा सकती, और गाड़ी में भी उतना ही लोड रहेगा जी, बस उसी का शॉकर उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, अगर ज़्यादा हार्ड टायर डालेंगे तो शॉकर का काम करने का काम बंद हो जाएगा, उसकी पावर जिस हिसाब से कंपनी ने बनाई वो तो उतना ही काम करेगी, सही बात है, जितना आप डिफरेंस समझ रहे हैं इन दोनों को उठाने में और फील करने में उतना ही आपका ड्राइव का फ़र्क आएगा, उसको आप परसेंटेज में आप जोड़ सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ये दो करवाते हैं, समझ गया, बता ये भी अच्छे लगेंगे, ऐसी बात नहीं है, नहीं आप वो उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट चेंज आ जाएगा, देखो अभी आप इनसे कंपेयर कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार रमन नहीं वो हो सकता है कि लुक्स उतनी नहीं आए, मैंने तभी आपसे क्या कहा आप अभी इससे लुक्स इससे कर अभी क्या करते हैं हम लुक लगा के देखते हैं, तो आपकी एक्चुअल गाड़ी का क्या लुक आ रहा है, देखो हम कौन सा फिट कर रहे हैं भाई, आपके लिए सैंपल लगा रहे हैं, नहीं अगर आपको लगेगा रमन नहीं यार आई वॉन्ट समथिंग मोर तो दीज आर ऑलवेज देयर वी कैन फिट इट, क्या दिक्कत है। और एक और सबसे बड़ी बात बताता हूँ भाई की, कहीं भी आप जाओगे ना टायर अलग व्हील कुछ भी चेंज कराओगे कोई इतना टाइम नहीं देगा, कहेगा भाई पैसे ला काम करा और अपने घर जा, सच बता रहा हूँ ये बात, मुझे वो एक तो वायरलेस वाला फोन है उसमें
आपने बताया था भाई आ रहा है, मैंने कल ना बुला ही लेता उसको यहां पे चिराकू वाले के लिए। अभी टायर तो सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी कुछ गाड़ी ऐसे दिख रही हैं, मतलब बिफोर आफ्टर आपको दिखाए गए, मतलब पहले आपको बिफोर दिखा रहे थे कि अभी कुछ प्रकार से अभी ऐसे दिख रही है गाड़ी, और जैसे ही लोहित के साथ न्यू टायर इंक्लूड हो गए आप बताना और हम भी देखेंगे, आपको सब कुछ दिखाना चाहेंगे कि कैसी लगेगी कार। मॉन्स्टर लगने वाली है मेरे को तो ये लग रहा है, बाकी आप सब ज़रूर बताना। इसके पीछे ना लोहे का वो भी खुल रखा है, ये भी देख लो, ये लो एक ना ये भी अब मैं लगा देना एलपी लगा दूंगा। हां क्योंकि ना ये जिस दिन वॉश करवाई थी ना प्रेशर वाले पाइप से करवाया था तो इसलिए खुल गया था सारा, इसलिए बिफोर आफ्टर होने वाला। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अब भाई की थार की टाइल्स देखने के लिए, मतलब बड़ी सेक्सी लगने वाली है, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ वो इमेज। बाकी अब आप भी देखना, भाई को भी पता लगेगा, भाई तो भी अंदर बैठे हैं, मैं तो चुपके से कैमरा लिया है, मैं कहा चलो थोड़ा बहुत भाई के लिए कर दूँ, और मज़ा आता है क्योंकि ये सब जो मेरी हॉबी है, ड्रीम कार है अपनी, इसलिए तो मज़ा आएगा। कार नहीं थार है जी। वैगन के भी अभी थोड़ी देर में टायर्स चेंज हो गए, टायर्स भी धुलवाए, वो भी आपको दिखाए गए, और भैया काम शुरू हो चुका है, मतलब बिल्कुल। तो क्या करके दिखाओगे आप इसमें? खोल के आपके सामने दिखाएंगे सारा कुछ। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, और धूप बहुत है, पानी पीते रहे करो आप, पानी पानी कुछ खाते रहे करो, धूप गर्मी बहुत है, तो बहुत मेहनत का काम है भैया। अच्छा ऐसे खुलता है? हाँ जी, एलन की होती नहीं। अच्छा एलन की होती है, ओके ओके। जा रहे हैं अब जा रहे हैं कारोबार, ये दो दो देखो कार पे ना एक वाली काम कर रहे हैं। अरे ये तो एक अभी आई है, तो ये वाली तो अभी आई है, उसमें डल रहे हैं भैया 22 इंचेस उसमें उसमें। अच्छा इसमें शायद 24 इंच लग रही है भाई, 22 ज़्यादा ऊँचा नहीं दिख रहे उसके, वो उठ लो है ना अभी जैक से। अच्छा मैं कहा बहुत ऊँची लग रही है अभी उठा हुआ है, और इसमें 24 इसमें 24 लगे अभी है कितने इसमें? अभी 20 है। तो सबको सीधा वेलोसिटी याद आती है। अलॉय सेम क्या ये 22 इंच? अच्छा 22 है अपने बीच से। ये टायर कौन से भाई है? ये वही जो आपको डाल रहा हूँ अभी। अच्छा वही है, लेकिन इनका साइज 33 का है, थोड़ा बड़ा टायर है ये। अच्छा सेम अपने वाले देखना भाई। कौन सी गाड़ी है भाई? कौन सी गाड़ी है? समझ नहीं आ रहा। तू बता मेरे को। इंडेवर लगी, फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर सा इंडेवर है, मान लो मेरे को। क्या बोले बहुत बढ़िया है, और ये जो रूबी गोंदा चल रहा है। अच्छा और इसके अलावा और भी वर्कशॉप से बना लिए मैंने। ठीक है इसमें है एक तो आगे लुक लाइक, ठीक है सिर्फ बॉडी होएगी, पीछे से हॉलो होगा। अच्छा वो दिखा। अच्छा उस पर सीट्स का और डैशबोर्ड्स का, ये गाड़ियाँ 2008 है, 2008 विद इंटीरियर डन, आप देख के हैरान हो जाएंगे उसके इंटीरियर्स को, ऐसा इंटीरियर है। तो देखते हैं अभी देखा नहीं। कौन सी गाड़ी भैया? थार 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 क्या डाल रहे हैं? और हार्टेक्स लगा हुआ है, सिर्फ टायर चेंज कर रहा हूँ, तो वो दिखा। इन्हें जा रही है पैन इंडिया भैया। अच्छा ये 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके आएगी। तो बम्पर 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 वैसे तो ये सबसे हॉट सेलिंग है बम्पर, सबसे अच्छी क्वालिटी में ये ABS वाला आ रहा है। अच्छा ABS का ही है? ABS का हार्ड प्लास्टिक में। बाकी ये इसकी कुछ काइंड ऑफ लुक है, बाकी काफ़ी लोगों ने तो देख लिया है, तो बड़ी देर से चल रहा है बम्पर भैया, तो जस्ता यही है भैया। बाकी आपको ओवरलैंड टाइप्स कुछ चाहिए वो भी मिल जाएगा, K2 वगैरह जो मेरे लगाया था। हाँ वो भी दिखा, वो भी थोड़ा एग्रेसिव लुक है उसमें, ऊपर पैर रखने ही रखने हैं। कोई मना नहीं कर सकता किसी को, जिसको मना करो यार। आपको मेटल का ही चाहिए भैया उसमें, कि कोई अगर खड़ा भी हो जाए तो अपने को उसमें वो नहीं आना चाहिए। पीछे तूने बैग भी लगाया था ना, रेड रेड वाली थार में। कौन सा रेड थार में? पीछे बैग वाला ये काइंड ऑफ दिस, ये सारा लोहे का है। अच्छा मतलब ऑलमोस्ट 30-35 किलो का बम्पर है। इसका क्या वेट होगा इस वाले का? ये है भैया 25 kg के अराउंड। और ध्यान लुक्स भी हो कि कोई फोटो खींचे तो उसे मजा आया यार, उसकी थार के साथ फोटो खिंचवाई। अच्छा यही लगवाओगे ओवरलैंड का? ओवरलैंड पर गाड़ियों पे मंगवा, फिर यहाँ मंगवा। और सही है बड़ा, लेकिन ये तो पड़ा ही है। एक ये है ABS का काइंड ऑफ प्लास्टिक, लेकिन हार्ड प्लास्टिक। अगर हम ऊपर खड़ने की बात कर रहे हैं और हार्ड, ये अगर किसी में हल्का सा भी लग गया तो उसका तो हो जाएगा काम।
कितना वेट होगा? वो 45-50 किलो का होगा इसका, ये 20-25 किलो के करीब। डबल हो गया? डबल, लेकिन डबल ये प्लास्टिक का 20-25, वो लोहे का 50 किलो का। अच्छा, एक ये भी है बाय द वे जो ओरिजिनल रूबीकॉन में आता है, ये साइड से खुल जाता है। अच्छा, जबरदस्त नंबर है ये भी, बड़े रूबीकॉन में लग के आता है, निकल जाए ये साइड से खुल जाता है, इतना से रहता है साइड से कैसे खुल जाता है? ये बोल्ट है ना, हाँ ये खुल जाएंगे सर एक्सटेंशन, और ये सिर्फ ऐसे बम्पर, ये फॉग लैंप, फॉग लैंप इतना रहेगा जैसे सेम रूबीकॉन में आता है। ये रूबीकॉन का ही है ना? ये रूबीकॉन का, ये भी पड़ा हुआ है। हाँ ये भी मंगाओ भाई। नहीं वो जो आपने बोला रहा, वो K1 मंगा लो, K1 ऑनलाइन मंगा लो। तो और इसके बाद और इसके अलावा और क्या? और एक वॉकी टॉकी लगाना उसमें, जो वॉकी जो बोलते बाहर आवाज आती है ना, क्या बोलते हैं, माइक, माइक हूटर के साथ, हूटर आपका हूटर लगा हुआ है? हूटर के साथ, हूटर लगा के माइक लगा। बहुत सिंपल थारा भी, उसमें कुछ नहीं करवाया था, अब करवा रहा हूँ मैं तो। ये कराना उस पहले था, मैं कहीं और बिजी था बस। ठीक, वो माइक फिर ऐसे वो बोलने वाला होगा। एक आता है वायरलेस, और उसमें आवाज़ कम होगी। वायर वाला, वायर वाला, वायर वाला आवाज़ चाहिए, आवाज़ चाहिए भाई, यही चाहिए। मैं क्या करूँ, इनको चाहिए, मैं कर रहा हूँ, आपको चाहिए, मैं तो आप लोगों को कर रहा हूँ। मैं चली नहीं थी, क्यों भाई? चली नहीं थी, फुल टशन दिखाना पड़ेगा भाई। टशन देखो इसे ना, हमारे यहाँ कहते हैं वैसे फुकरापन, लेकिन लोगों को पसंद ही, अब क्या करें, तो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। क्या बोलते जी, करना पड़ेगा, अभी तो सुन रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा, बिल्कुल। अगर 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 लोग चाहते हैं कुछ चीज़ देखना, तो वो पूरा करना तो भाई का पूरा फर्ज है, बिल्कुल। जब आए ढंग से तो ढंग से ही करेंगे फिर। क्या बात है, वैसे आपको और दिखा देते हैं, वैसे आपका दिल बहक रहा है भाई। भाई आए हैं तो काम देख लेते हैं क्या क्या है। ये इंटीरियर का काम होगा। अच्छा, ये सारा जो देख रहे हैं आप, कलर चेंज वाइन शेड सीट कवर्स के हिसाब से हुआ हुआ है। ये बाहर भी कर रहा हूँ, गाड़ी आई हुई जम्मू से। अच्छा, भैया बात करके आया था, कह एक दिन फ्री कर देना, ये एक वीडियो दिखाता हूँ। बेज कलर वैसे बहुत प्यारा लगता था आपने इस इवेंट से, मस्त जी वैगन स्टाइल। अच्छा, बैक नहीं हुआ। अच्छा, वो हैंड रेस्ट है ना पीछे, बहुत अच्छा लगा से जैसे, ये स्पेशल लगती है गाड़ी पूरी अंदर से। आपने एक चीज़ नोटिस करी, आपके थाई सपोर्ट बहुत कम है। हाँ, जो हम सीट पे डालते हैं तो थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके डालते हैं, वो भी हम इंक्रीज कर देते हैं। फ्रंट और बैक बहुत दिक्कत होती है पीछे वाले को। सेटअप फ्री आता है, छत भी हो रखी है, टाइम कितना लगता भाई? भैया अगर सारा काम करना है तो 5-6 दिन आराम से चाहिए, इंटीरियर इंटीरियर में। अच्छा, बाकी डिपेंड्स गाड़ी कितनी, कितना काम है, कितना उसमें करना है काम। कोई गाड़ियाँ 15 दिन के लिए करती हैं, कोई हफ्ते के लिए करती हैं। आपने इसमें देखा ना, ब्लैक रूफ करी हुई है, सीट कवर्स करे हुए, इंटीरियर करा हुआ है, हैंड स्टिच करा हुआ है, सारा हाथ का काम। आप टेंशन मत लेना कि आपको आना पड़ेगा, मैं पिक करवा लूँगा, वो आपकी गाड़ी पिक करवा के ड्रॉप करवा देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी रेडी करके ड्रॉप करवा देंगे। आप सिर्फ ये देखो कि क्या करवाना है और कब करवाना है। नहीं अच्छी लग रही है ये वाली ना, बहुत अच्छी लग रही है। बम्पर भाई क्या मंगवा दिया आपने? भाई बम्पर है इसके ऊपर, 10 लोग भी खड़ेंगे ना तो उसका रास्ता तक नहीं बढ़ेगा। 10 का तो पता नहीं, अपने भाई जरूर खड़े हो जाने चाहिए। नहीं भाई तो चलो बम्पर आ जाएगा। उठाना हाँ देख लेते हैं। कितना के जी है भाई?